इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y is equal to 3 into under root x and above the x axis between x is equal to 1 to x is equal to 4. देखें देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत इजी है. मालूम क्या करना है, हमने एरिया मालूम करना है बिलो द कर्व. पहले मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ करूंगी और उसके बाद आपको ग्राफ से समझाऊंगी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. देखिए एरिया मालूम करना है x is equal to a और x is equal to b. a और b क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है. याद रहे कि लोअर लिमिट आपने यहाँ लिखनी होती है, अपर लिमिट यहाँ लिखनी होती है और आपके पास कर्व क्या है y into dx. अब हम इसकी वैल्यूज यहाँ लगा लेते हैं तो a की जगह क्या हो जाएगा, x is equal to 1, ये 1 है और 4, अपर लिमिट 4 है. y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है 3 into under root x into dx. इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, देखेंगे 3 आपके पास कांस्टेंट है ये बाहर ले लें, बाकी आप x is equal to 1 to x is equal to 4, यहाँ क्या रह जाएगा अंडर रूट x. और अंडर रूट x हमें मालूम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट की होती है 1 over 2, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं. क्यों ऐसे करके लिखा, क्योंकि यहाँ हमारे पास पावर रूल यूज होगा और पावर रूल में क्या होता है कि जो भी आपकी पावर है उसमें आपने ये 1 ऐड करना है और ये नई पावर आपके पास जो बन जाएगी उसी से डिवाइड करना है. लिमिट आपके पास है x is equal to 1 to x is equal to 4. अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x और ये आप इसलिए फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम लेके हम इसको ऐड करेंगे तो 3 over 2 हो गया और यहाँ पे भी आपके पास डिवाइडेड बाय 3 over 2. लिमिट आप याद रखें कि ये भी हमारे साथ है, इसको भी हमने अप्लाई करना है. ये आपके पास हो जाएगा 6 over 3, राइट, 3 over 2 यहाँ आके हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 over 3. ये मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है और अब हम यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे भी हम चलें एक और नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करेंगे ताकि इजी हो जाए. x is equal to 4 to x is equal to 1, ये 3 1 टाइम 3 2 टाइम. अब हम लिमिट लगा लेते हैं x 3 सॉरी यहाँ पे x की जगह हमें अपर लिमिट लिखनी होगी और अपर लिमिट है हमारे पास 4, तो 4 पावर 3 ओवर 2 माइनस अब लोअर लिमिट में x पावर 3 ओवर 2 हो गया. बाकी मैं यहाँ कर देती हूँ लेकिन आपने इसको कंटिन्यू करना है 2 और ये क्या हो जाएगा, देखें ये 4 है तो मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 टाइम्स है ये 4 हो जाएगा और इसकी पावर 3 ओवर 2 है. 1 की जो भी पावर है वो 1 के इक्वल होता है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास रह गया 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 और 2 इसका मीनिंग है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि 8 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 14 और जो भी आपका यूनिट हो यूनिट स्क्वायर. ये हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया है और यही आपका क्वेश्चन है, आपने यहां तक करना है. लेकिन मैं आपको ग्राफ बना के बताऊंगी कि ये क्वेश्चन क्या है बिलो द कर्व और अबव द एक्स एक्सिस. तो उसके लिए हम देखें यहाँ पे मैंने ये एक टेबल बनाना होगा पहले और हमने शुरू करनी है, हम इसकी वैल्यूज लगाएंगे कि x इज इक्वल टू 0 तो इसमें y की वैल्यू पुट करके आप देखेंगे जब x 0 है तो x अंडर रूट में इसको 0 ये सारा मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, यानी x 0 है तो ये भी 0 है. देखिए याद रहे कि लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो मैं शुरू करती थी x इज इक्वल टू माइनस 3 या माइनस 4 से. यहाँ आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं मैंने माइनस किया, माइनस हम ले भी सकते हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू हम पहले सपोज कर लें माइनस 1 है माइनस 2 है, लेकिन ये अंडर रूट है और अंडर रूट में अगर माइनस आ जाता है तो वो आयोटा इमेजिनरी आ जाता है. ये ग्राफ तो आप जरूर बना लेंगे लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारी लिमिट है 1 टू 4. अब हम x को जब हम 1 पुट करते हैं तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह हमने 1 लिखना होगा और अंडर रूट 1 1 है तो इट मींस 3 हो जाएगा. याद रहे कि x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जब x 1 है तो y हमारे पास 3 हो गया. अब हम x को 2 पुट करके देखते हैं
और अंडर रूट टू, सॉरी टू, अंडर रूट टू किसके इक्वल होता है? अंडर रूट टू इक्वल होता है 1.41 के. सो मल्टीप्लाई बाय 1.41 हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू 2 है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपके पास आ जाएगा 4.23. अब हम यहाँ x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं तो अंडर रूट 3 की क्या वैल्यू होती है? अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73. जब x आपके पास 3 है तो y आपके पास आ जाएगा 5.19. इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आएगा x इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 4. और अंडर रूट 4 बहुत इजी है, ये 2 के इक्वल होगा. तो जब x 4 है तो y 6 हो जाएगा आपके पास. 5 भी ले लेते हैं और फिर हम इसको अंडर रूट 5 कर देते हैं. अंडर रूट 5 किसके इक्वल होगा? आप इसको, ये इक्वल होगा 6.69 के टोटल. आप डायरेक्ट मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, 5x इज इक्वल टू 5 है तो आपके पास y हो जाएगा 6.69. राइट, इसका अंडर रूट लें और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. चाहे तो आप x इज इक्वल टू 6 लेके भी ट्राई कर सकते हैं, आपके पास 6 और समथिंग यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक इनफ है. अब ये वैल्यू 0013 ये हमने 1 by 1 ग्राफ में लिखनी होगी. कैसे होगा देखें, पहले 0 0 है, एक ये पॉइंट आ गया, फिर 1 3 है यानी x एक्सिस पे 1 है और y पे आपके पास 3 है. तो अब मैंने देखें यहाँ से किया 1 और 3, एक ये पॉइंट आ गया. फिर 2 है और यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग है, एक ये पॉइंट आ गया. इस तरह आपने ये कंप्लीट करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ कंप्लीट किया, ये सारे पॉइंट्स आ गए, इसको आपने ज्वाइन करना है आखिर में. हमारे पास ये कर्व बन जाता है जो दिया था y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट x, इससे हमारे पास ये कर्व आया. लेकिन हमने एरिया जिसकी इंटीग्रेशन की, जो हमने एरिया फाइंड आउट करना था वो क्या है, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व. तो देखें ये है बिलो द कर्व एंड अबव द x एक्सिस, ये है अबव द x एक्सिस, ये हमने एरिया फाइंड आउट करना है. अब उस एरिया की रेंज क्या हो, x इज इक्वल टू 1 to 4, देखें ये x इज इक्वल टू 1 है, मैंने ऑलरेडी यहाँ निशान लगा लिया, ये x इज इक्वल टू 4 है, ये बिलो द कर्व एंड अबव द x एक्सिस, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना था. तो ग्राफ बनाने से क्या होता है, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्या पूछा गया है. जो हमने 14 यूनिट स्क्वायर कैलकुलेट किया था अभी क्वेश्चन में, मैथमेटिकली प्रूफ किया था, वो ये एरिया था, बिलो द कर्व एंड अबव द x एक्सिस. अब आप इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिए, कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं. साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया.